टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में मैं तेजस ठक्कर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो सेशन में हम फाइल और फोल्डर को किस तरह से हाइड कर सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। जनरली कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर सिक्योरिटी पर्पस से हमें हाइड करने की जरूरत होती है। कई बार कोई फाइल या फोल्डर हम चाहते हैं कि जो अन्य यूजर्स जो हैं वो देख ना पाए, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके लिए हमें सुविधा दी गई है कि हम कोई भी फाइल या फोल्डर को आसानी से हाइड कर सकते हैं, जो और जो यूज़र्स जो हैं वो इस फाइल या फोल्डर को देख नहीं पाएंगे। तो आइए जानते हैं किस तरह से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल और फोल्डर हाइड करने का सबसे आसान तरीका। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में कोई भी जो फोल्डर आपको हाइड करना है वो उस फोल्डर में आपको सबसे पहले जाना है। आप देख सकते हैं मैंने कंप्यूटर में डी ड्राइव जो है उसमें एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट किया है, और यहाँ पर सबसे पहले आपको टूल्स मेनू में जाना है। टूल्स मेनू में जाकर यहाँ पर एक फोल्डर ऑप्शन का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फोल्डर ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर फोल्डर ऑप्शन का इस तरह से एक आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। उसमें आपको व्यू टैब जो है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। व्यू टैब पर क्लिक करते ही नीचे अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। उसमें आपको हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स का एक इस तरह से फोल्डर आपको दिखाई देगा। उसमें अगर आपका टिक मार्क जो रेडियो बटन जो है वो शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स एंड ड्राइव्स ऑन इस तरह पे अगर है तो उसे आपको डोंट शो हिडन फाइल्स फोल्डर और ड्राइव्स इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से आपको यहाँ पर क्लिक किया हुआ है। आपको इसमें इस तरह से हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स, उसमें आपको डोंट शो हिडन फाइल्स फोल्डर और ड्राइव इस ऑप्शन को आपको टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क करने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको कहीं पर भी एक फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं ये फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। राइट क्लिक करना है आपको, उसमें जाकर आपको न्यू बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर फोल्डर हम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर ए बी सी नाम का एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने एक ए बी सी नाम का यहाँ पर एक फोल्डर जो है वो मैंने एक क्रिएट कर दिया है। यहाँ फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। अब फोल्डर क्रिएट करने के बाद इस पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रॉपर्टी पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं एबीसी जो फोल्डर का नाम है उसकी प्रॉपर्टी का इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आपको डिस्प्ले हो जाएगा। उसमें आपको हिडन जो है उस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर अप्लाई बटन पर सबसे पहले आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको ओके देना है। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली अप्लाई देते ही हमारा जो फोल्डर है वो यहाँ से हाइड हो गया है, और ओके दे देना है। आप देख सकते हैं हमारा जो फोल्डर जो है अभी कोई भी देख नहीं पाएगा। अगर आप चाहो तो अगर इसको वापस आपको लाना हो तो इसी प्रोसीजर को आपको रिवर्स में करना होगा। इसके लिए फिर से आपको टूल्स मेनू में जाना है, उसके बाद फोल्डर ऑप्शन में जाना है, उसके बाद व्यू में, और उसके बाद यहाँ पर आपको शो हिडन फाइल्स फोल्डर और ड्राइव्स इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पर जो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर जो है उसमें आपको शो हिडन फाइल्स फोल्डर एंड ड्राइव्स ऑन इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही जैसे आप अप्लाई बटन पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका जो फोल्डर है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम कोई भी फोल्डर या इसी तरह से आप कोई भी फाइल को हाइड कर सकते हैं। ये विदाउट एनी सॉफ्टवेयर इस तरह से हम फाइल या फोल्डर को हाइड कर सकते हैं इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया इस वीडियो में। नेक्स्ट सेशन में हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई फाइल या फोल्डर को किस तरह से हम लॉक कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम नई नई टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।